स वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट टर्म बोर्ड एग्जाम ओके तो यहाँ पे कुछ ऑलमोस्ट इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ अ लॉन्ग सिलेंडर कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑन वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन अदर एज शोन इन फिगर बिलो टॉप यू

तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस इसके साथ हो रहा है इसके साथ हो रहा है इसके साथ नहीं हो रहा है तो सी सीलिए ये ऑप्शन हट गया अब इन तीन में से विच विल बी द करेक्ट वन तो यू कैन सी ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता कोई इंट्रैक्शन इन चार्जर ऑफ दिस क्वेश्चन लेकिन ये ये ज़्यादा ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ ये साइड वाइज कुछ है कि नहीं है इसके बारे में कुछ नहीं बता रखा क्यों नहीं है आई डोंट नो लेकिन यहाँ पे ये सर्टेनली बता रहा है कि ऐसे पॉजिटिव चार्ज से चलेगा इधर नेगेटिव चार्ज की भी फील्ड लाइन होगी दे विल ओवरलैप ओके नेक्स्ट अ मेटल शेल हैज पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कैप्ट इन साइड द कैिटी चूज द करेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन सो एक कैविटी के अंदर एक शेल के अंदर और जाहिर सी बात है मतलब शेल के अंदर भी मैंने थोड़ा सा नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम दिया है ठीक सेंटर पे भी ने थोड़ा सा नॉन सीमेट्रिकल लिया है तो दीज आर सम इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कह रखा है नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द शेल तो ये दिमाग में आ सकता है बट रिमेंबर अगर अंदर एक चार्ज रखा है जैसे यहाँ क्या रखा है मेटल शेल हैज़ पॉइंट चार्ज कैप्ट इन द कैविटी अगर अंदर चार्ज रखा हुआ है तो उसके अंदर तब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक वो केस होता है कि जिसमें ऐसे शेल रखा है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तब अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता है लेकिन इसमें चार्ज पार्टिकल अंदर रख रखा है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट्स फॉर श्योर तो ये ऑप्शन सी सील अच्छा यहाँ मैंने टिक करना भूल गया अब टिक कर दिया है अच्छा आगे बढ़ते हैं तो यू कैन सी नाउ ओके सो दिस वन अब मेटल शेल है तो इसके अंदर से फील्ड लाइन मतलब मेटल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होती है देर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटल मतलब एम स्पेस में देखिए यहाँ पर मैंने अभी बोला कि चार्ज uh, है तो फील्ड लाइन होगी लेकिन मेटल को क्रॉस करते हुए नहीं होगी मेटल के अंदर से फील्ड लाइन नहीं जाती अल्टीमेटली एक अकोमडेशन uh, होता है चार्जेस का तो बीच में सेटलमेंट ऐसा होता है कि फील्ड लाइन यहाँ से नहीं जाएगी इधर इंड्यूस चार्जेस हो जाएंगे इधर इंड्यूस चार्जेस हो जाएंगे बट बीच में देर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये वाला कैंसिल uh, हो गया तो इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है ना द पॉइंट इज़ कि इट इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा ये होगा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से बाहर निकला फिर यहाँ पे मेटल की बॉडी है उसमें कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी एंड देन आफ्टर वर्ल्ड इट विल फ्लो ओके नेक्स्ट या अ मेटलिक सॉलिड इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये अब वो वाला क्वेश्चन आ गया बट ये एक सॉलिड है नॉट अ हॉलो वन सो इट इज़ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये अलग अलग लाइन्स दिखा रखी हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ वन कोई भी एक सेलेक्ट कर रखी है और हमें ये देखना है हमें बताना है द लाइन ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ या पाथ शोन इन द फिगर एज जी एच करेक्ट भी लिखना था द करेक्ट लाइन ऑफ फोर्स जी एच ऐसे गई औरों को भी देख लेते हैं ई एफ आई जे ई एफ आई जे ये तो दोनों अच्छा एरो नहीं बनाए थे इसमें मैंने देखो ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं एक ऐसे हुआ गायब हो गया चला गया एक पार हो गया तो इस वजह से नहीं ये क्यों नहीं ये तो हो सकती है ना मेटल के अंदर नहीं जा रही है फील्ड लाइन पर यहाँ तक जा रही है यहाँ तक जा रही है बीच में नहीं जा रही थी ये तो होनी चाहिए थी पर शायद इसलिए नहीं है क्योंकि ई e एफ आई जे के साथ दे रखा था इसलिए के एल ये तो डेफिनेटली नहीं क्योंकि इतना बेंड हो रही है और अंदर तो फील्ड लाइन हो नहीं सकती आई जे के एल आई जे और के एल दोनों तो मेटल के अंदर तो हो नहीं सकती इसलिए नहीं हो सकता ओके देन जी एच अब जी एच कैसे तो रिमेंबर अब केस ई एफ होता एक ऑप्शन और होता ई एफ तो ई एफ और जी एच में कौन तो जी एच द रीज़न फॉर देट इज़ कि जी एच ये देखिए ये ऐसे बेंड होकर तब मेटल पे गई और जिस पॉइंट पे

तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे एक कंपोनेंट, देखो एक की डायरेक्शन इधर के लिए अंदर नहीं जाएगा बट एक की डायरेक्शन इधर के लिए, ये है तो इसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो पार्ट में एक इधर एक इधर तो जो ये वाली डायरेक्शन है नॉर्मल ये जो डायरेक्शन है ये जो चार्जेस हैं चार्जेस मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात होगी उन्हें इधर के लिए पुश करेगा और ये वाला जो है उन्हें इधर के लिए पुष करेगा तो इसका मतलब इस पूरे के पूरे सरफेस पे एक हलचल हो जाएगी अच्छा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक तो इधर नहीं फील्ड की डायरेक्शन ये है इधर के पुश करेगा तो एक हलचल हो जाएगी अल्टीमेटली तो लेकिन अगर एक स्टैटिक सिचुएशन हम देखना चाहते हैं क्योंकि चार्जेस uh, रेस्ट में हैं एक स्टेबल कंडीशन है तो वो स्टेबिलिटी तभी आ सकती है जबकि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली हो अब नॉर्मली इसे स्ट्राइक कर रही है तो जो चार्जेस हैं जैसे नेगेटिव चार्ज जो है वो इधर के लिए पुश होगा दैट्स ऑल ओके okay. और एक और चीज़ क्योंकि अंदर फील्ड लाइन हो नहीं सकती तो जो कुछ भी होगा सारे चार्जेस सरफेस पे ही एक हुए रहेंगे बस और यहाँ देखिए इधर उतना ही नेगेटिव इधर उतना ही पॉजिटिव इससे बाहर निकल रहा है किसी एंगल पे नहीं अदरवाइज़ पूरे सरफेस पे एक हलचल मच जाएगी ओके नेक्स्ट फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस क्यू वन क्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट क्यू वन क्यू टू मल्टीप्लीकेशन इज़ ग्रेटर देन जीरो वॉट डज़ इट मीन इसका मतलब यह है कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तभी भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा और दोनों नेगेटिव हैं तभी वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो हमें इनमें से वो रिप्रेजेंटेशन uh, देखना है जब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हों या दोनों के दोनों नेगेटिव हों तो देखिए इससे फील्ड लाइन बाहर निकल रही हैं पॉजिटिव इसमें अंदर जा रही हैं नेगेटिव तो ये नहीं हो सकता इसमें फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं इसमें अंदर आ रही हैं वही चीज़ है तो ये भी नहीं हो सकता और इसमें तो गलत भी दिखा रखा है ऐसा फील्ड लाइन ऐसे नहीं जाएंगी इससे निकली हैं तो इसमें एंटर करेंगी ओके okay, ये दो चार्जेस दिखा रखे हैं और सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन uh, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सोर्स है यानी चार्जेस हैं सिस्टम है वहाँ तो कभी भी सर्कुलर नहीं होगा और ये बात मैं ऐसा कह रहा हूँ इसका मतलब कोई अगर ऐसा तरीका है कि जिसमें चार्जेस का सोर्स नहीं है तब वो सर्कुलर हो सकता है कितनी अजीब सी बात कह दी चलो इसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियोस में ऐसा क्वेश्चन रखूँगा तो एंड लास्ट वन दिस वन इसकी तरफ फील्ड लाइन आ रही है इसकी तरफ फील्ड लाइन आ रही है यानी कि दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो यस yes, अप्रोप्रिएट दोनों के दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों के चार्जेस का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा विच इज ग्रेटर देन सो दिस वन इज करेक्ट ओ मैं टिक करना भूल गया एंड यू कैन सी क्या था इसका इसका भी मैंने टिक नहीं किया इसका ही यू कैन सी सी बी ए डी तो कई आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे कि बच्चों तुक्का मार सकते हो और ऐसे मैं ऐसा तुक्का मारो और तीन मिनट में वो बता देते हैं कि अच्छे नंबर कैसे लाएं तुक्का मारने के तरीके तो बच्चों रिमेंबर दैट uh, ऐसे वीडियो देख के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तुक्के मारने तो बहुत से और तरीक़े हैं ये उन वीडियोज़ को देख के और उन्हें टेन मिलियन हंड्रेड मिलियन व्यूज़ दे के आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं चलो तो ठीक है ऐसे लोगों का तुम भला कर देते हो लेकिन तुक्के ही मारने हैं तो उसके लिए किसी को कोई uh, उसके लिए कोचिंग की तो मैं नहीं सोचता जरूरत है ओके मूविंग ऑन और राइट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड कैन कॉमनली बी रिप्रेजेंटेड बाय यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कई बार आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड भी देखोगे ग्रेविटेशनल मैंने जबरदस्ती इंक्लूड किया तो जब भी यूनिफॉर्म फील्ड होगा इट मस्ट बी पैरल यूनिडायरेक्शनल एंड इक्वल सेपरेशन तो इनमें पैरल तो ये भी हैं ये तो डेफिनेटली नहीं तो दिस वन ओके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस गिवन बाय क्यू वन प्लस वॉट डज इट मीन इसका मतलब है क्यू वन इज इक्वल टू माइनस क्यू टू मीनस चार्जेज आर इक्वल एंड अपोजिट दैट इज सबसे अच्छी बात अगर दो चार्जेज ऐसे दे रखें सेपरेट करके दे रखें इट मीस इट्स इट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं देखिए ये तो डेफिनेटली नहीं है ये तो रिपल्शन शो कर रहा है तो यानी कि दोनों लाइक like चार्जेस होंगे यहाँ पर व अनलाइक चार्जेस की बात हो रही है आ, ये भी पॉसिबल नहीं है ये तो इंटरसेक्ट जो हो रहा है ये तो डेफिनेटली नहीं तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है Uh, now there is a slight error here. मतलब error नहीं I mean दोनों में एक distinguish कर सकते हो इससे positive charges से बाहर आ रहा है और इससे भी बाहर निकल रहा है और यहाँ pe ये enter कर रहा है तो ये गलत है Diagram डायग्राम गलत है So this one is correct. और याद रख लीजिएगा ये ये इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये सेम क्वेश्चन कैन भी आज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन इज़ और तब ये बन के आ सकता है तो दिस वन इज़ द करेक्ट आंसर नेक्स्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू इन्फाइनाइटली लार्ज इक्वल बट अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज गिवन बाय सी सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जस्ट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेट ऑन बोथ साइड्स आपने डेरिवेशन में देखा होगा गॉस थ्योरम का यूज़ करके जब निकालते हैं बट इफ देयर आर टू प्लेट्स अपोजिटली चार्ज तो उसमें एक्सपेक्टेड ये है कि इससे दोनों साइड ऐसे जाएगा ऐसे करके होगा ये नहीं हो सकता पॉजिटिव से नेगेटिव बीच में एम कैसे होगा और ये भी नहीं हो सकता कि जो वो सरफेसेज हैं उनके साथ नाइन्टी डिग्री बनना चाहिए तो ये दोनों तो नहीं हो सकता अब इन दोनों में ज़्यादातर बच्चे इसे टिक करेंगे बट दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट द रीज़न फॉर दैट इज जो ये नेगेटिव है अगर इसे हटा दें तो नेगेटिव से ऐसे करके पूरा फील्ड लाइन आ रही होगी ऐसे तो ये वाला तो चलो सही हो गया अब पॉजिटिव के लिए देखो पॉजिटिव के लिए ऐसे करके निकल रही होंगी तो यू कैन सी नेगेटिव वाले के लिए जो आ रही थी और पॉजिटिव से जो जा रही है दे बोथ विल कैंसिल इच अदर तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा एंड इन द सेम वे इसकी फील्ड लाइन जब इधर जा रही होगी तो इसके साथ कैंसिल करेगा ओनली दिस विल बी द नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इज वाई आई रिपीट इसकी वजह से नेगेटिव वाले डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ मैं ये लाइन जा रही है इधर के लिए और पॉजिटिव वाले के लिए ओ गॉड सॉरी नेगेटिव uh, वाले के लिए इसकी तरफ आ रही है और पॉजिटिव वाले से दोनों साइड के लिए निकल रही है तो यू कैन सी नेगेटिव वाले की तरफ आने वाली और पॉजिटिव वाले से जाने वाली तो दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर इस साइड भी नेगेटिव से आ रही है नेगेटिव की तरफ आ रही है और पॉजिटिव से उससे दूर जा रही है विल कैंसिल ईच अदर सो ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा तो ये तो मैंने खराब कर दिया नो इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली

और पूरा ही दे दिया तो तीन क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं तो आ, कोई बात नहीं आप बेसिक आइडिया याद रखिए एंड नथिंग एल्स ओके सो यू कैन सी हियर पहली चीज जो पॉइंट चार्ज है उससे ऐसे सीमेट्रिकली स्वेरिकली सीमेट्रिक हर तरफ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा लेकिन जब मेटल के साइड आएगा तो मेटल पर वो नाइन्टी डिग्री बनाएगा सो so, हर तरफ निकल रहा है इधर का नहीं दिखा रखा बट इट डजेंट मैटर इधर का देखिए ये आ रहा है, है। और इसके साथ ही 90 डिग्री बना रहा है दैट इस ओके मेटल के बीच में से कोई फील्ड लाइन नहीं निकल रही दैट ऑल्सो ओके इंडक्शन से इधर इधर नेगेटिव चार्ज बना होगा तो ये सीधे सीधे आ गया इधर पॉजिटिव चार्ज बना तो उससे फील्ड लाइन पैरल पैरल निकल जाएंगी इस पर पहुँच गई इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड दिस इज़ नेगेटिव चार्ज तो वो जो फील्ड लाइन आएंगी वो यहाँ के टर्मिनेट हो जाएंगी सो ए इज़ अप्रोप्रिएट आंसर बी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में ये सडन ब्रेक क्यों आया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हुआ होगा या नेगेटिव इंड्यूस हुआ होगा तो यहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव बना होगा एंड इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज वाई देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑल राइट दिस इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि बिल्कुल वो ये यह तो इसमें हलचल ला जाएगा ये नाइन्टी डिग्री बनाना चाहिए था इसे इसके साथ जो नहीं बन रखा यहाँ पे तो ये इनफैक्ट रिपल्शन शो कर रहा है सो दिस इज क्लियरली क्लियरली नॉट पॉसिबल राइट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो